हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपको पता चल गया होगा टाइटल देख के कि मैं क्यों सुबह सुबह में ऑन आया हूँ। फाइनली आई हमारी गाड़ी, मींस कल दोपहर में घर पर डिलीवर्ड हो गई थी और 3-4 दिन से बुक कर दी थी। डिलीवर्ड कल शाम को हुई है, आज होने वाली थी क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए थे उसमें। आपको मैं बाद में निकलता हूँ गाड़ी दिखाने के लिए, तब दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था क्या नहीं। खैर, फाइनली अपनी गाड़ी आ गई है और आपको पता चल गया होगा कौन सी गाड़ी है कौन सी गाड़ी नहीं। सो अभी अमन आता है तो अपन चाहते कि अमन कुछ गया है दवाई लेने के लिए मम्मी के लिए, वो आता है तो अपन चाहते एक छोटी सी राइड पर, छोटी सी राइड इन द सेंस आपको दिखा दूँगा कौन सी गाड़ी है, कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैंने भी इतनी चलाई नहीं है। कल शाम को ही आई है क्योंकि हमने डिलीवर्ड घर पे रखवाई थी, हम शोरूम से डिलीवरी नहीं ली। बोल दिया था उनको कि आप घर पे दे जाना, हम लेने आने वाले नहीं हैं। काफ़ी इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली गाड़ी आ जाएगी अपनी। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या है नहीं क्या नहीं। तो गाइस, पापा भी अराउंड मार्केट जस्ट आ गए मेरी गाड़ी का, मेरी गाड़ी क्या इनकी गाड़ी है, तो ये भी चेस्ट दिया है। फाइनली बाइक अपनी हाथ में आ गई है, NS125 OG। अभी निकले हम साइड थोड़ा एक राइड लेने के लिए, गाड़ी में क्या है क्या नहीं आपको सब बताने के लिए। आगे एक जगह पे रुकाता हूँ मैं, उधर अपन देखते हैं। कोई अच्छी खाली जगह दुखती देखती है तो अपने रुका थे। ऑलराइट, सो गाइस फाइनली अपनी बाइक मेरी NS125 OG विद्युत वाला है। ये देखिए इधर, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, विद्युत वाला है। इसमें मोबाइल के लिए कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ है, फ़ोन के लिए कि USB केबल है, बाकी सब इसका फंक्शंस वगैरह मेरे को नहीं मालूम। और इसका मेन तो इसका एग्जॉस्ट नोट इधर से निकल, कहीं साइलेंसर नहीं देखा। और इसका जो एग्जॉस्ट आता है वो इनबिल्ट नीचे आएगा, इसका फ्रंट में नहीं आता, इसका नोट सुनिए आप। तो हो गया, फ्रंट में इसकी डिस्क ब्रेक है, पीछे नहीं है। गाड़ी तो बजाज वाले एक तो बेस्ट है ही गाड़ी के मामले में, बट उनका सर्विस मीन्स उनकी जो एम्प्लॉय वगैरह रहते हैं एकदम, सच में बोलूँ तो खर्चा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। गाड़ी मुझे कल चाहिए थी, उतर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो नंबर प्लेट थे ना, नंबर प्लेट्स हमको कुछ हमारी मतलब बाई करनी थी, पेमेंट कर दिया था सब, उसने बोला था कि हो जाएगा। कल शाम को डिलीवरी थी और सुबह में कॉल करके मुझे बोलता कि आपका जो नंबर प्लेट था वो नहीं होगा क्योंकि किसी और ने खरीद लिया है। बट जब 3 दिन पहले हम लोग को गाड़ी का पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने गए तब वो बोल रहे हो जाएगा, तो उसने कमिटमेंट ही क्यों दी। अब कल शाम को, कल मॉर्निंग में मुझे कॉल करके बोलता है कि आपको जितना हो सके उतना कॉल किसी को भी कॉल करो, वो होने वाला नहीं है। सर उसका बिहेवियर मेरे को सही नहीं लगा। और मैंने पेमेंट ना करा तो बात अलग है, मैंने पेमेंट मतलब पापा ने कर दिया था, उसको एक्स्ट्रा पेमेंट इंस्टेंट कर दिया था कि मुझे यही नंबर चाहिए क्योंकि मेरी जो दूसरी गाड़ी है पापा वाली उसमें 5548 नंबर है, वही सेम नंबर हमको इसमें चाहिए था। अब वो शाम को डिलीवरी है, 3 दिन पहले हम पेमेंट कर चुके हैं और हमको सुबह में कॉल करके बोलता है कि आपको आपका जूना आपका जो नंबर है जो कंपनी रजिस्टर्ड कर रही है वो आ जाएगा और आपको जो नंबर चाहिए था वो नंबर नहीं हो पाएगा। तो ये बात मेरे को नहीं अच्छी लगी और बहुत रूड था वो बंदा, जो मैनेजर था वो बहुत रूड था, मेरे को उसका बिहेवियर सही नहीं लगा पहले तो। वरना बजाज का तो कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, बट एम्प्लॉय बहुत बेकार है। खैर, इसमें बाद में आने वाले कुछ दिनों में अपन मॉडिफिकेशन कराएंगे, देखते क्या करवाते क्या नहीं, साइड लीवर्स डलवा देंगे, फिर लाइट्स डलवानी है मेरे को आगे, ये वाइजर चेंज करवाएंगे, मिरर्स रिमूव करवा देंगे। चल अब चलते अपन घर और नाश्ता वास्ता करेंगे, देन अपन चले जाएंगे जॉब पर। ऑलराइट सो गाइस, अब जाएंगे अपन घर। अभी अमन एक्सपीरियंस देखेगा, अमन कैसी लगी चलाना? एकदम मस्त।
एकदम मस्त। खैर अभी अमन सीधा निकाल लो देख पापा को अभी बैंक में लेके जानी है, कुछ काम है बैंक का, मतलब बैंक से रिलेटेड बाइक का काम है, तो वो अभी क्लियर करेंगे पापा। और एक बात बताना भूल गया मैं आप लोग को, बाइक मेरे लिए जो प्राइस थी 3 या 4 दिन पहले मेरे पापा को बोला था कि बाइक लेनी है, उन्होंने बोला था कि 20-25 दिन और लगेंगे, और मेरे को नहीं मालूम था कि वो ऑलरेडी बुक करा चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं। देन रात को मैंने पूछा था, सुबह में पापा का कॉल आया, हालांकि पापा हॉल में थे, पापा मम्मी दोनों, और मैं पीछे बेडरूम में सोया था, और पापा का फ़ोन आया कि उड़िया चल अपन को गाड़ी देखने जानी है, तेरे को कौन सा कलर फिक्स करना है वो कर ले। मेरे लिए सरप्राइज था, अचानक क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि पापा बाइक बुक कर चुके हैं, पेमेंट वगैरह कर चुके हैं। देन सुबह में मॉर्निंग में हम गए बाइक देखने के लिए, और ये कलर मेरे को लेना था ब्लैक एंड ग्रे कलर, पर पापा को बोले, पापा बोले कि ब्लैक एंड ग्रे तो ऑलमोस्ट सब चला है, ये तो थोड़ा यूनिक है, मैंने ऑरेंज और ब्लैक कलर लिया। सो मेरे को सबसे ख़राब चीज़ तो वही लगी कि मेरे को जो नंबर प्लेट चाहिए, जो नंबर प्लेट दी नहीं, मीन्स वो लोगों ने कुछ तो गड़बड़ की है, या फिर वो लोगों ने RTO वालों को बुला नहीं था, वरना RTO वाले मैंने चेक तो किया था एप्लीकेशन पे, अबे नंबर तो अवेलेबल था, पर वो लोग को शायद वो 100% श्योर मैं हूँ कि वो भूल गया होगा। खैर कोई बात नहीं, बाइक आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और देखते हैं अब इन फ्यूचर क्या है क्या नहीं, आप लोगों के साथ रहेगा तो इससे भी बड़ी बाइक लेंगे इंशाल्लाह। चलिए चलते आगे। बैठ चुका है, अभी हम घर आ गए वापस, मेरी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी बैठ जाओ मेरे पीछे, पर नहीं बैठ रहे। अरे भाई लेके जाएगी फिर, कह रहे पापा लेकर जा रहे बाइक, क्योंकि कुछ बैंक में आई थिंक सो दिखाने की या फिर कुछ प्रोसेस है वो अटका है, तो लेके जाएंगे पापा चले। और ये मेरा घुंगरू बाबू सो रहा है मस्त इधर, मोटी छे तो गाड़ी मोटी छे, हारून अंकल ने चलावा ऑफिस हूँ, गाड़ी छे स्पोर्ट्स तो आवी जावे ने, स्पोर्ट्स छे। अरे भाई चले टेणे 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 टेंट, चल स्विच पाड़ी, हाँ वो नीचे पाड़ो, अब करो चालू, हाँ रेड स्विच ऑफ थी इसलिए इंजन चालू नहीं हो रहा था, अब हो गया, अब जाएंगे। वालेकुम सलाम, सो गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं और अमन अभी आए हैं कब्रिस्तान, पीछे देख सकते हो तो सेट सब कब्र है। मेरा मन था कि अगर मैं गाड़ी लूँगा तो सबसे पहले मेरी दादी के पास जाऊँगा, क्योंकि सबसे बेहतरीन दुआ देने वाली जात वही है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कामयाब भी हम तीनों भाई मेरे पापा, तो दुआ देने वाले वही है, उनकी दुआ अभी तक मेरे को याद है कि उन्होंने बोला था कि हर चीज़ तुझे मिल जाएगी जो तुझे चाहिए, बस उनकी दुआ से आज है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, बस यही, और मैं इतना लफ्ज़ों से बयां भी नहीं कर सकता क्या है क्या नहीं मेरे दिल में। मैं आ गया हूँ अभी, सो अभी मैं अमन फातिया पढ़ रहा हूँ, उधर उधर साइड है वो फ्री हो जाएगा तो जाते हैं, मेरा हो गया वो पढ़ लेगा तो अपन जाएंगे यहाँ से घर, अब पूरा दिन क्या कर रहे क्या नहीं पता नहीं, मुहर्रम है मेरी छुट्टी है मैं घर हूँ, सो अब मैं बाहर निकल के ब्लॉग बनाता हूँ। ये अपनी धन्नु, ये रहा हमारी बचपन की जगह जहाँ हम बचपन से बचे रहते, ये ले लिया जब हम यहाँ अकोटा रहते थे तब से, मैं तो ऑलमोस्ट 23 साल का होना है पापा उसके पहले से खाते, आपको पिछली बार ब्लॉग में मैंने बताया था एक बार, क्योंकि सबसे बेस्ट भजिया यहीं मिलता है अभी तक, वही और वही स्वाद है अभी तक, तो अब घर चलते हैं अपन नाश्ता करते हैं।